खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां 15 से 16 साल के तीन लड़के टमस नदी के बहाव में बहकर भंवर में फंस गए। तीनों स्टॉप डैम के पास नहा रहे थे। लड़कों को डूबता देख लोग तुरंत रस्सा लेकर नदी में कूदे और तीनों को खींच लाए। घटना चारघाट थाना इलाके के बरुआ टोंक गांव की है। घटना रविवार की है, जब टोंक गांव के करीब से निकली टमस नदी में परिवार गांव के लड़के नहा रहे थे। तीन लड़के बहकर नदी के कुंड में डूबने लगे। लड़कों के चीखने पर स्टॉप डैम के घाट किनारे मौजूद कोनी गांव के ग्रामीण रस्सा लेकर दौड़े। उन्होंने तीनों लड़कों को रेस्क्यू कर लिया। घटना का वीडियो अब सामने आया है। लड़कों का नाम विकास केवट उम्र 16 वर्ष, पुत्र विद्याशंकर केवट, अंकित साकेत उम्र 15 वर्ष, पुत्र रामचतन साकेत और संजय केवट उम्र 15 वर्ष, पुत्र प्रभाकर केवट है। सभी परिवार गांव के रहने वाले। ये गांव टोंक गांव के करीब ही है। ग्रामीणों का कहना है कि स्टॉप डैम के पास नदी में पानी का बहाव तेज था। लड़कों को जब बचाया गया तो वो बेहोश हो चुके थे। पेट दबाकर तीनों के शरीर से पानी निकाला गया, तब जाकर उन्हें होश आया। चारघाट थाना प्रभारी अभिषेक पटेल ने बताया कि तीनों बच्चे सुरक्षित हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।